दोस्तों, कैलाश पर्वत दिखने में जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमयी है। इस पर्वत के साथ न जाने कितने ऐतिहासिक रहस्य जुड़े हुए हैं, पर सबसे बड़ा रहस्य तो ये है, इस पर्वत पर अब तक कोई नहीं चढ़ पाया है। इस पर्वत के रहस्यों की अगर हम बात करें तो शायद घंटों घंटों की वीडियो भी कम पड़ जाए। कैलाश की ऊंचाई 6638 मीटर है और इसके शिखर पर पहुंचना असंभव माना जाता है। अब एक नई कॉन्सेप्टेंसी सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि कैलाश पर्वत अंदर से खोखला है। हाँ दोस्तों, ये सही है, बिल्कुल। वैज्ञानिकों ने अपनी कई रिसर्च में पाया है कि कैलाश पर्वत काफी ज्यादा रेडियो एक्टिव है और ये रेडियो एक्टिविटी चारों तरफ एक समान थी, और ऐसा जब ही हो सकता है जब इसका स्रोत कैलाश पर्वत का केंद्र हो। वैसे भी कैलाश को हमारे वेदों में सबसे उत्तम माना जाता है और वेदों पुराणों में भी इसकी व्याख्या की गई है। कहा जाता है कैलाश पर कोई भी अपवित्र आत्मा नहीं जा सकती, इस पर स्वयं भोलेनाथ निवास करते हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश प्राकृतिक नहीं है, इसे बनाया गया है, जैसे पिरामिडों को बनाया गया है। पिरामिड भी अंदर से खोखले होते हैं और इनके अंदर देवी देवताओं की मूर्तियां भी रखी गई है। कैलाश पर्वत पिरामिडों से भी कई लाख साल पुराना है और बढ़ते वक्त के साथ ये और भी ज्यादा सख्त हो गया है। अगर बात करी जाए कैलाश पर्वत की स्थिति की, तो ये नॉर्थ पोल से 6666 किमी दूर है और साउथ पोल से 13332 किमी, बिल्कुल दुगना नॉर्थ पोल से। हमारे वेदों में भी कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र कहा गया है और वैज्ञानिक भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। एक रशियन प्रोफेसर ने अपनी रिसर्च में पाया कि हो सकता है कैलाश पर्वत के अंदर एक पूरा शहर बसा हो। इस पर्वत को बनाया ही इसलिए गया हो ताकि भविष्य में भी इस सभ्यता को बाकी दुनिया से अलग रखा जा सके, और इस पर्वत पर जाने का रास्ता इस पर्वत के शिखर पर हो सकता है, क्योंकि वही ऐसी जगह है जहां पर अब तक कोई नहीं जा पाया है। तो इन सब बातों को जानने के बाद हमारे मन में यही सवाल उठता है। दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे कि कैलाश पर्वत हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत पर चीन ने सन 2001 से ही चढ़ने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। हालांकि 1990 से लेकर 1996 के बीच चीन के वैज्ञानिकों ने कई बार इस पवित्र पर्वत पर चढ़ने और इसके बारे में जानने की कोशिश की, तो उन्हें कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर के द्वारा चढ़ाई करने की कोशिश की, मगर वहां जो हैरान करने वाला नजारा चीन वैज्ञानिकों को देखने को मिला, उसके बाद चीनी वैज्ञानिकों ने आज तक दोबारा कभी भी कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। आखिर चीन के वैज्ञानिकों कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या दिख गया, क्या है पर्वत का रहस्य, हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए। ये बात 1991 की है जब चीन के कुछ वैज्ञानिकों ने जापान के कुछ वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक टीम बनाकर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, परंतु वहां के स्थानीय तिब्बत निवासियों ने उनका काफी विरोध किया, क्योंकि हिंदू और बौद्ध दोनों ही कैलाश को बेहद पवित्र धार्मिक स्थान मानते हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ने के दौरान चीन और जापान के वैज्ञानिकों को खराब मौसम के साथ साथ भयंकर हिमस्खलन का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि इसके बाद 1996 में चीन के वैज्ञानिकों ने हेलीकॉप्टर से कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। चीनी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में चीनी वैज्ञानिकों को कैलाश के बेहद सुंदर नजारे देखने को मिले, मगर जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे तभी उनका सामना ऐसे ऐसे खतरों से हुआ कि उनकी रूह भी कांप उठी। कहते हैं कि कुछ ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर के पहुंचते ही कैलाश पर्वत पर मौसम में बदलाव होने लगा और भयंकर बर्फबारी होने लगी, बीच में स्खलन होते दिखाई देने लगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमस्खलन इतने भयंकर थे कि उनके कारण बर्फ के बड़े बड़े पर्वत टूटकर गिरने लगे और बर्फ के टुकड़ों के रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह होती जा रही थी, जिसे देखकर चीनी वैज्ञानिक सहम गए और बादलों के बीच भयंकर बर्फबारी लगातार हो रही थी, जिससे हेलीकॉप्टरों को कंट्रोल करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। दोस्तों, ऊंचाई बढ़ने के साथ ही वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा था, जिसके कारण हेलीकॉप्टर के इंजन पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहे थे। चीनी वैज्ञानिकों के मुताबिक कैलाश पर्वत पर सारी दिशाएं आकर मिलती है, जिसके कारण उन्हें कैलाश पर्वत पर दिशा का अनुमान नहीं हो पा रहा था और हेलीकॉप्टर में लगे दिशा सूचक यंत्र काम नहीं कर रहे थे और हेलीकॉप्टर में अलार्म बहुत तेजी से बज रहा था। लेकिन चीनी वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और वो कैलाश पर्वत की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे कैलाश पर्वत की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे हेलीकॉप्टर का अलार्म देर रात और बिना सूचक यंत्र अपना काम करना बंद कर रहा था। आगे से बहुत तेज हवा आ रही थी, जिसके कारण कैलाश पर्वत की ओर बढ़ना मुश्किल हो रहा था। बाज दो बार हेलीकॉप्टर के सामने आ गया, जिससे हेलीकॉप्टर आगे नहीं बढ़ पा रहा था। फिर चीनी वैज्ञानिकों के सामने चमकती हुई चीज दिखाई पड़ी, परंतु तूफान इतना तेज था कि सामने चमकती हुई वस्तु साफ नहीं दिखाई पड़ रही थी, परंतु ऐसा लग रहा था कि सामने कोई ऐसी चीज थी
जो चमक रही थी, और ऐसा भी लग रहा था कि कैलाश पर्वत पर चमकती हुई चीज कोई और नहीं साक्षात शिव थे। फिर उनका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा और मन घबराने लगा। ऐसा लग रहा था कि उनके सामने शिव भगवान प्रकट हो गए हैं और उनके मन के वापस लौटने का ख्याल आ रहा था। अगर चीनी वैज्ञानिक कोई चमकती वस्तु के पार जाने की कोशिश करते तो शायद वे अपनी जान से हाथ धो बैठते। फिर चीनी वैज्ञानिकों ने वहां से वापस लौटने का फैसला किया। जब वैज्ञानिक वापस लौटकर आए तो उन्होंने बताया कि उनके सामने चमकती हुई चीज थी, जिसे देखने के बाद वह डर गए थे। ऐसा लग रहा था कि वह चमकती हुई चीज वस्तु उनको आगे जाने से रोक रही थी और उनका हेलीकॉप्टर भी क्रैश होने वाला था। फिर कभी भी चीनी वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास नहीं किया और चीनी सरकार ने कैलाश पर्वत पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गुरुडोन मार लेक, ये लेक सबसे बड़ी लेक है। ये लेक दुनिया में 430 मीटर की इलेवेशन पर है और ये भारत के उत्तर सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में स्थित लेक है और हिंदू व बौद्ध धर्मों के भक्तों के लिए पवित्र मानी जाती है। झील का पूरा नाम गुरु पद्मा संभावा के नाम पर पड़ा है, जो गुरु रिम्पोचे भी कहलाते हैं और जिन्होंने तिब्बती बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी और उन्होंने 8वीं शताब्दी में इस झील की यात्रा करी थी। इसका सरफेस एरिया 118 हेक्टर यानी कि 290 एकड़ है। झील में हमेशा बर्फ जमी रहती है और यहाँ पीने के पानी का अभाव है। दूसरा, रूपकुंड। रूपकुंड को मिस्ट्री ऑफ लेक भी बोला जाता है। ये भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक हिम झील है, जो अपने किनारे पर पाए जाने वाले 500 से अधिक मानव कंकालों के लिए प्रसिद्ध है। ये जगह हिमालय से 5029 की हाइट पर बना है। इससे पहले साइंटिस्ट द्वारा यह माना जाता था कि उन लोगों की मौत महामारी या बर्फीले तूफान से हुई थी। 1960 में एकत्र नमूनों से लिए गए कार्बन डेटिंग ने क्लियर रूप से यह संकेत दिया कि वे लोग 12वीं सदी से 15वीं सदी तक के बीच के थे। तीसरा, टाइगर नेस्ट मॉनेस्ट्री। ये जगह 3000 फीट हाइट पर बना हुआ है। इसको 1962 में बनाया गया था। यहाँ पर भूटान की कला देखने को मिलती है। गुरु रिनपोचे ने पहली बार ध्यान लगाया था वहीं पर यह बनाया गया है। गुरु रिनपोचे एक बाघिन का सवार होकर यहाँ पहुँचे थे, इसी वजह से इसको टाइगर नेट्स के नाम से जाना गया है। गंखार पेनियम माउंट एवरेस्ट, इस दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है जिस पर कई बार इंसान फतह हासिल कर चुका है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा पहाड़ भी है जो भले ही सबसे ऊंचा ना हो लेकिन आज तक उस पर कोई नहीं चढ़ पाया है। ये पहाड़ हमारे पड़ोसी देश भूटान और चीन के बीच में स्थित है। इसका नाम है गंखार पेनजुम। इसकी ऊंचाई 24,836 फीट है, जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,229 फीट है। है ना कितनी अजीब बात। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ से करीब 3,000 फीट छोटे इस पहाड़ पर अब तक कोई फतह हासिल नहीं कर पाया। इसके पीछे भूटान और उनके कानून का हाथ है। दरअसल भूटान में पहाड़ों को भगवान के समान दर्जा दिया जाता है। ये उनके लिए किसी पवित्र स्थान से कम नहीं। 1994 में भूटान के एक कानून पारित किया गया। इसके अनुसार 6000 मीटर तक के ऊंचाई वाले पहाड़ों पर ही पर्यटकों को जाने की अनुमति होगी। इस पहाड़ की ऊंचाई करीबन 7000 मीटर है। पांचवा, ज्ञानगंज। ये इमोर्टल बींग्स की सिटी के नाम से जाना जाता है। ये हिमालय में लोकेटेड है। बुद्धिस्ट स्पिरिचुअलिटी एंड तिब्बत और इंडिया से है। ज्ञानगंज एक जगह नहीं बल्कि एक हायर डायमेंशन भी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े रहस्यमय पर्वत के बारे में। हाँ, आपने सही समझा, कैलाश पर्वत के बारे में। क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है? रशियन ऑर्थोलॉजिस्ट ने कहा था कि कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक ढांचा नहीं है बल्कि एक पिरामिड है जो सुपर नेचुरल ताकतों की वजह से बना है। उनका कहना था कि कैलाश पर्वत 100 रहस्यमय पिरामिडों से मिलकर बना है। भारत कई खूबसूरत प्राकृतिक संसाधनों का देश है। यहाँ पर घाटियों से लेकर खूबसूरत झरने, जंगल, समंदर और पहाड़ तक मौजूद हैं। कई पहाड़ आज भी पूजनीय हैं और लोग उन्हें आस्था की दृष्टि से देखते हैं। इन्हीं कुछ पहाड़ों में से एक है कैलाश पर्वत, जो भारत में तो नहीं है लेकिन करोड़ों भारतीयों की आस्था का प्रतीक है। 16,656 मीटर की ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत को लोगों ने बस दूर से ही देखा है। माउंट एवरेस्ट से इसकी ऊंचाई 2000 किलोमीटर कम है, मगर अभी तक कोई भी इस पर चढ़ नहीं सका है। इस वजह से लोग इसे रहस्यमय पर्वत भी कहते हैं। पहाड़ पर है सुपर नेचुरल ताकतें। माउंट एवरेस्ट से इसकी ऊंचाई कम होने के बाद भी कोई अब तक इस पर नहीं चढ़ सका है। बड़े बड़े पर्वतारोही इस पर चढ़ने से इनकार कर चुके हैं। कई लोग कहते हैं कि इस पहाड़ पर कई सुपर नेचुरल पावर रहती है और इस तर्क के आगे वैज्ञानिक भी खामोश रह जाते हैं। इस पर्वत पर चढ़ने के कई प्रयास भी किए गए हैं, मगर अभी तक किसी को सफलता नहीं मिल सकी है। कई लोग कहते हैं कि मौसम की वजह से यहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं रख पाया है। कई लोग दावा करते हैं कि यहाँ पर नेविगेशन बहुत मुश्किल है क्योंकि अक्सर यहाँ दिशा भ्रम हो जाता है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह डालते हैं कि यहाँ पर स्थित सुपर नेचुरल ताकतें यहाँ की दिशाओं को मोड़ देती हैं। भगवान शिव का घर है हिमालय। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर है। वह अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहते हैं और यही वजह है कि यह पहाड़ कई लोगों के लिए मोक्ष प्राप्ति की जगह भी है। कई श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और कई लोगों की माने तो उन्हें
सुपर नेचुरल ताकतों का अनुमान भी किया है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें नीलकंठ के रूप में भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं। रूस के एक पर्वतारोही सर्जिय सिस्टिकॉफ ने बताया कि जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत से बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका, लेकिन अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में यह ख्याल आने लगा कि मुझे अब यहीं पर रुक जाना चाहिए। उसके बाद मैं जैसे जैसे नीचे आता गया मेरा मन हल्का होता गया। रहस्यमय पिरामिडों से मिलकर हुआ है तैयार। रूस के रशियन ऑर्थोलॉजी ने कहा था कि कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक ढांचा नहीं है बल्कि एक पिरामिड है जो सुपर नेचुरल ताकतों की वजह से बना है। उनका कहना था कि कैलाश पर्वत 100 रहस्यमय पिरामिडों से मिलकर बना है। कुछ लोग इस थ्योरी को सच मानते हैं क्योंकि इस तरह का ढांचा दुनिया में कहीं भी नहीं है। यह पर्वत दुनिया के बाकी पर्वतों से बहुत अलग है। कैलाश पर्वत बाकी पहाड़ों की तरह तिकोना नहीं बल्कि चौकोर सा है। कहते हैं कि इसकी वजह से इस पर्वत के चार मुख हैं जो चार दिशाओं में फैले हैं। पुराणों के मुताबिक यह पर्वत सृष्टि का केंद्र है। पुराणों में यह भी लिखा गया है कि इसका हर मुख सोने, रूबी, क्रिस्टल और लेपिस लाजुली जैसे अनमोल धातुओं से बना है। कई लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर बहुत रेडियो एक्टिव भी है। इसकी वजह से ढलान 65 डिग्री से ज्यादा है। माउंट एवरेस्ट में यह ढलान 40 से 60 डिग्री तक है। इस वजह से भी पर्वतारोही यहां पर चढ़ने से कतराते हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 21 साल पहले यानी सन 2001 में की गई थी। उस समय चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। वर्तमान समय में कैलाश पर्वत की चढ़ाई पूरी तरह से रोक दी गई है क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि यह पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ने नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि 11वीं सदी के एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने अभी तक माउंट कैलाश पर चढ़ाई की है। वह इस पवित्र और रहस्यमय पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। इसका जिक्र पौराणिक कहानियों में भी मिलता है। आई होप आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को अपना अनमोल लाइक देना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।